अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़ाक खत्री और खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीकॉम पार्ट वन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट्स का एक और नया चैप्टर, द डोर स्विंग ओपन, दरवाजा खुला का खुला रह गया। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर कौन थी, तो हो सकता है कि आप में से बहुत ज्यादा लोग इस बारे में ना जानते हो। आज मैं आपको यही सब कुछ तो बताने जा रहा हूं कि दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी, जो एक अमेरिकन थी। तो ये आज कहानी है दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर की। इससे पहले सिर्फ मेल और जेंट्स को डॉक्टर बनाया जाता था, एक लेडी या एक वुमन को डॉक्टर के तौर पर कोई मेडिकल स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता था। तो आज इसी की कहानी शुरू करते हैं हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट के लेसन द डोर स्विंग ओपन से। इस कहानी को लिखा है मैरी सेंट जे फैंकर्ट ने, एक डेयर, एक जुर्रत डॉक्टर बनने की। कहा गया, नावडेज विद वुमन Nowadays with women playing an ever-increasing role in all kinds of careers and professions, आजकल खवातीन अदा कर रही हैं अपना बढ़ता हुआ किरदार हर किस्म के पेशों में और हर किस्म के करियर में। It is difficult to understand, ये बात मुश्किल है समझना, that there was a time, कि एक वक्त था, When no medical school, जब कोई तिब सिखाने वाला स्कूल would accept a woman, एक खातून को एक डॉक्टर के तौर पर कबूल नहीं करता था। They all said, वो सबके सब कहते थे, that only a man could be a doctor, कि सिर्फ एक मर्द ही एक डॉक्टर बन सकता है। An American, Elizabeth Blackwell, was determined to become the first women doctor in the world. American Elizabeth Blackwell को तय किया जाता है कि वो बनी दुनिया की पहली खातून डॉक्टर इस दुनिया में। After a great deal of delay and opposition, बहुत ज्यादा ताखीर और मुखालिफत के बाद, she received to her great surprise, उसने हासिल किया, और ये उसके लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन बात थी, a letter from the dean of Geneva College, एक खत जो उसे Geneva College के सरबराह से मिला। Geneva College वो तिब सिखाने वाला कॉलेज है जिसने अपने सरबराह की मदद से एक लेटर भेजा Elizabeth Blackwell को, informing her, जिसमें उसे इतला दी गई that she had been accepted, कि उसे एक लेडी डॉक्टर बनने के लिए इस Geneva कॉलेज ने कबूल कर लिया है। मच लेटर, काफी बाद में, Elizabeth डिस्कवर, Elizabeth ने ये बात दरियाफ्त की, what had actually happened, कि दरअसल हकीकत में हुआ क्या था। When her application had been received by the college authorities, जब उसकी दरखास्त कॉलेज के हुक्काम को मौसूल हुई, none of them wanted to have a woman student, तो उनमें से कोई भी एक खातून तालिब इल्म नहीं चाहता था। But they did not wish to offend the influential Philadelphia doctor who had recommended her, लेकिन वो नहीं चाहते थे, उनकी आरजू नहीं थी कि वो मुखालिफत करें असर रसूख रखने वाले फिलाडेल्फिया के डॉक्टर का, जिसने Elizabeth Blackwell का नाम तजवीज किया था कि इसे डॉक्टर बनाया जाए। सो दे हिट ऑन द एक्सपीडियंट ऑफ टर्निंग द डिसीशन ओवर टू द स्टूडेंट्स जनरल मीटिंग, इसलिए उन्होंने इस बात को लायक और मुनासिब समझा कि वो इस बहस को और इस फैसले को तालिब इल्मों के आम इजलास में फैसला करने के लिए जेरे बहस ले आए। They were quite certain
वो बिल्कुल यकीनी थे that this would result in this alarming idea being turned down. उन्हें इस बात का यकीन था कि ये जब वो ऐसा करेंगे कि वो स्टूडेंट की आम मुलाकात के अंदर इस बहस के अंदर वहां ये बात को ले आएंगे तो यकीनी तौर पर ये जो खतरे की अलामत बन जाने वाला ख्याल था उसको टर्न डाउन मुस्तरद कर दिया जाएगा. हावेवर बहरहाल when the student body met, जब तालिब इल्मों का इजलास हुआ, many of them thought it would be amusing, तो उनमें से ज्यादातर ने ये सोचा कि ये तो बहुत खुशी का मकाम होगा या बहुत खुश करने वाला होगा to be the only medical college in the country, कि वो इकलौता तिब सिखाने वाला कॉलेज मुल्क का होगा which could boost, जो शायद शेखी बघार सकेगा, बड़ी बात कर सकेगा, that it was training some sort of Amazon as a woman, कि वो शायद तरबियत दे रहा है किसी किस्म की जंगजू लड़ाका किस्म की खातून को, क्योंकि Amazon यहां एक मिसाली खातून है, एक लड़ाका जंगजू सख्त किस्म की खातून, तो ऐसी खातून को जैसे वो कॉलेज ट्रेनिंग दे रहा हो, तरबियत दे रहा हो. सम जेन्युइनली बिलीव दैट, कुछ इनमें से हकीकी तौर पर इस बात को यकीन करते थे दैट विमन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि औरतों को भी बराबरी का सलूक दिया जाना चाहिए. व्हाइल अदर्स थॉट ऑफ द होल थिंग एज अ जोक, जबकि बकिया ने इस सारे मामले को, सारी चीजों को सिर्फ एक मजाक की तरह लिया. So the vote in favor was carried unanimously. इसलिए जो वोट था वो हिमायत में मुत्तफिका तौर पर ले लिया गया एलिजाबेथ ब्लैकवेल के. And the college authorities found, और जो कॉलेज के हुक्काम थे उन्होंने पाया with dismay, टूटती हुई हिम्मत के साथ, that they would now have to admit Elizabeth, कि अब उन्हें एलिजाबेथ को दाखिला देना ही होगा. A few days after receiving the notification of her acceptance, चंद दिन और गुजर जाने के बाद कि जब एक ये रुका नोटिफिकेशन का इतला में पहुंचाने का कि कबूल कर लिया गया एलिजाबेथ को, इसे रुके के पहुंच जाने के चंद दिनों के बाद, एलिजाबेथ वॉज ऑन द ट्रेन फॉर द टू डे जर्नी टू जेनेवा कॉलेज. एलिजाबेथ जो थी वो ट्रेन के सफर में थी, दो दिन का सफर जो जेनेवा कॉलेज की तरफ था. हर एंट्री इनटू द मेडिकल स्कूल, उसका दाखिला उस तिब्बी स्कूल में, देयर कुड हार्डली हैव बीन मोर नर्व रैकिंग, शायद बड़ी मुश्किल ही से यकीन करने के काबिल था, या शायद आसाब और दिमाग पर बड़ी मुश्किल से ही कबूल करने के काबिल था. द डीन जो सरबरा था आस्क हर टू फॉलो हिम, उसने तकाजा किया एलिजाबेथ ब्लैकवेल से कि वो उसके पीछे आए. ऑन टू द प्लेटफॉर्म, उस डाइस पर या उस कमरे के सामने की जगह पर, एंड फॉर्मली इंट्रोड्यूस हर टू द असेंबल्ड स्टूडेंट्स, और उसे बाकायदगी के साथ, कायदे के साथ उसका तारुफ करवाया गया वहां जमा शुदा तालिब इल्मों से. 50 years later, 50 साल के बाद, an elderly doctor, एक उम्र रसीदा डॉक्टर, who was a student at the college at the time, जो कि उस वक्त एक तालिब इल्म था उस कॉलेज का उन वक्तों में, recall the scene, उसने इस मंजर को पूरा दोहराया. The class numbering about 150 students. Class 150 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल. Was composed largely of young men from the neighboring towns. वो ज्यादातर मुश्तमिल क्लास थी नौजवान मर्दों की जो आस पास के कस्बों से थे. They were rude, वो बद मुहज्जिब थे, खुरदरे थे, बायोस्ट्रियस शोर मचाने वाले थे, रियोटियस बदमस्त किस्म के थे, बियॉन्ड कंपैरिजन
किसी भी मवाजने या मुकाबले से बिल्कुल दूर की चीज थी। ऑन सिवरल ओकेशंस, मुख्तलिफ मवाकों पर, द रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड, जो रिहायशी थे आस पड़ोस के, सेंट रिटन प्रोटेस्ट, उन्होंने लिखे अपने एहतजाज और उन्हें भेजा टू द कॉलेज, कॉलेज को, थ्रेटनिंग, जिसमें उन्हें धमकी दी गई, कॉलेज को धमकी दी गई, टू हैव द कॉलेज इंडिक्टेड, कि वो कॉलेज पे इल्जाम लगा देंगे, एज अ नोइसेंस, कि ये इंसानों को जरर पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, इफ द डिस्टर्बेंस डिड नॉट सीज, अगर इस तरह की परेशानियों को रोक ना दिया गया। ड्यूरिंग लेक्चर्स इट वॉज ऑफन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेक्चर्स के दौरान अक्सर औकात तकरीबन नामुमकिन होता टू हेयर द प्रोफेसर्स, कि प्रोफेसर्स को सुना जा सके, ओइंग टू द कंफ्यूजन, क्योंकि वो जो परेशानी, अबतरी और जो मसाइल वहां के थे, उन तमाम वजूहत से। ही गोज ऑन, ही से मुराद है डीन ऑफ द कॉलेज, डीन ऑफ द कॉलेज गया ऑन टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, द ड्रामेटिक मोमेंट, उस ड्रामाई लम्हे को, व्हेन एलिजाबेथ वाज इंट्रोड्यूस, जब एलिजाबेथ ब्लैकवेल का बाकायदा तारुफ किया गया। द स्टूडेंट्स हैड हर्ड नो मोर अबाउट हर आफ्टर दे हैड सेंट देयर डिसीशन टू द कॉलेज टू और थ्री वीक्स प्रीवियसली। तालिबिल्मों ने नहीं सुना था कुछ भी इस बारे में जब उन्होंने अपना फैसला कॉलेज को भेज दिया था दो से तीन हफ्ते पहले। सो हर इंट्रोडक्शन वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज, इसलिए उसका तारुफ एक मुकम्मल तौर पर हैरानगी का मामला था। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जमा शुदा, इन सबको देख सकते हैं कि कैसे हैरत से जो है वो एलिजाबेथ ब्लैकवेल को देख रहे हैं, कि आज तक तो वो सिर्फ बॉयज ही पढ़ते थे लेकिन आज उनके दरमियान एक लेडी भी थी। वन मॉर्निंग अनएक्सपेक्टेडली, एक सुबह बिल्कुल गैर तवक्कुआती तौर पर, अ लेडी एंटर्ड द लेक्चर रूम, एक खातून दाखिल होती है उस लेक्चर रूम में विद द डीन, उस कॉलेज के सरबराह के साथ। शी वॉज क्वाइट स्मॉल ऑफ स्टैच्योर, वो कदोकामत में काफी छोटी थी, क्योंकि मर्दों के मुकाबले में आमतौर पे खवातीन कदोकामत में वैसे भी छोटी होती हैं, और वो खातून तो वैसे भी छोटे कद की हामिल थी। प्लेनली ड्रेस, साफ सादा लिबास जेबतन किया हुआ, अपीयर्ड डिफरेंट एंड रिटायरिंग, वो थोड़ा सा अलग हुलिये में नजर आ रही थी, एंड रिटायरिंग, खामोश नजर आ रही थी, बट हैड अ फर्म एंड डिटरमाइंड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, लेकिन एक मजबूत और फैसलाकुन किस्म का तासुरात थे उसके चेहरे पर। हर एंट्री इनटू द बेडलाम ऑफ कंफ्यूजन एक्टेड लाइक मैजिक ऑन एवरी स्टूडेंट, उसका दाखला उस पागलखाने में जो कि परेशानी और अबतरी का था, उसने एक जादू जैसा काम किया हर एक तालिब इल्म पर। ईच हरिडली सॉट हिज सीट, हर एक ने जल्दी जल्दी अपनी निशस्त को तलाश कर लिया। एंड द अटमोस्ट साइलेंस प्रिवेल, और एक गहरी खामोशी थी जो उस जगह पर हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम अ लेक्चर वॉज गिवन, पहली दफा एक लेक्चर दिया गया, विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शन, बगैर थोड़ी सी भी मदाखलत के, एंड एवरी वर्ड कुड बी हर्ड एज डिस्टिंक्टली एज इट वुड बी, और हर एक लफ्ज सुना गया इतना ही अलग अलग जितना के वो था। इफ देयर हैड बीन बट अ सिंगल पर्सन इन द रूम, जैसे के कमरे के अंदर सिर्फ एक इकलौता शख्स ही बैठा हुआ हो। द सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लास फ्रॉम अ बैंड ऑफ लॉलेस डेस्पेराडोज टू जेंटलमैन, ये अचानक तब्दीली वाकया हो गई क्लास में, और एक बंद बांध दिया गया
जो ला कानून किस्म के बदमाश थे वो शरीफ हो गए बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ अ लेडी, सिर्फ फकत मौजूदगी से एक खातून के, प्रूव टू बी परमानेंट इन इट्स इफेक्ट, और ये साबित कर गया कि ये बहुत मुस्तकिल, देरपा और अच्छा असर था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दुनिया में वुमेन डॉक्टर हर तरफ बनने लगी। आज भी अगर आप देखें तो आपके अपने मुल्क में भी खवातीन के डॉक्टर बनने का रेशो मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है। इस प्रोफेशन में मजीद इज्जत आती गई, जिद्दत आती गई, तो ये एक बेहतरीन शानदार स्टोरी। ऐसी और बहुत सारे लेसन्स और इन सब की एक्सप्लेनेशन, ऐसे बहुत सारे बीकॉम के मजीद सब्जेक्ट्स और दीगर कामों के लिए हमारे खत्री ब्रदर्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि जब मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट जो हमसे बनते हैं, यही दरअसल हमारे और आपके दरमियान एक कनेक्शन बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। तो ज़रूर जुड़े रहिए हमारे खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़ाक खत्री, जज़ाकल्लाह।